नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, मैं आपको कौन सा चैप्टर करवा रही थी? मैं आपको बसंत बुक में चैप्टर 3 नादान दोस्त के प्रश्न उत्तर करवा रही थी। किसके प्रश्न उत्तर करवा रही थी? नादान दोस्त चैप्टर नंबर 3। इसका मैंने आपको एक प्रश्न करवाया है। कौन सा प्रश्न करवाया है? प्रश्न ये करवाया था मैंने आपको, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? किसके बारे में? अंडों के बारे में। वे आपस में ही, यानी कि वो दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? ये तो था प्रश्न फर्स्ट। दिल को तसल्ली क्यों देते थे? क्योंकि उनकी माँ को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी को पढ़ाई लिखाई से फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए वे दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली देते थे। ये तो था आपका फर्स्ट प्रश्न का आंसर। अब मैं करवा रही हूँ आपको सेकंड प्रश्न। क्या करवा रही हूँ? सेकंड प्रश्न क्या है? सेकंड प्रश्न, केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी केशव ने श्यामा से चिथड़े चिथड़े टोकरी और दाना पानी मंगा कर कार्निस पर क्यों रखे थे? ये तो था आपका प्रश्न सेकंड कि केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी और दाना पानी मंगाकर कानिस पर क्यों रखा था। ठीक है, अब इसका आंसर मैं लिख रही हूँ। केशव और श्यामा को अंडों से बहुत लगाव था। अंडों से बहुत लगाव था, वे उन्हें सुरक्षित रखना चाहते थे। वे उन्हें सुरक्षित रखना चाहते थे, इसलिए केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी और दाना पानी मंगा कर रखा था। अब है प्रश्न नंबर 3। क्या है प्रश्न नंबर 3? क्या है? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने
केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या ना डाली। प्रश्न है कि केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या ना डाली। इसका आंसर बिल्कुल स्पष्ट है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की अंडों की रक्षा के लिए नादानी की क्योंकि उनको, वैसे तो उसने अपने से इतना सही पूछा था कि उसने केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी, उन बच्चों ने की तो उनकी रक्षा थी, ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ किया, छाया भी की, टोकरी भी मंगवाई, गद्दी बनाई, चीथड़े भी मंगवाए, पानी भी रखा, पर उनको ये नहीं पता था कि ये अंडे गिर जाएंगे और फूट जाएंगे, चिड़िया एक से दूसरी बार इनको सेती नहीं है, उनको ये सब बातों का ध्यान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो बेचारे बच्चे थे, वो अपनी तरफ से तो अंडों की रक्षा करना चाहते थे, पर उनसे हुई क्या, उनसे छोटी सी नादानी हो गई, नादानी हुई। तो इसका आंसर भी यही बनता है कि केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा के लिए नादानी की, क्योंकि वो बच्चे थे। बस इतना सा आंसर है। अब मैं आपको इसका सेकंड, देखो क्या है सेकंड पार्ट, ये इसके थे कहानी से तीन प्रश्न उत्तर थे, और अब मैं आपको आगे करवाऊंगी कहानी के आगे प्रश्न क्या बनता है, मैं पढ़ रही हूँ, वो करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन प्रश्न पढ़ देती हूँ। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए, यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते हो, क्या करते। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए, दोनों ने, किसके बारे, अंडों के बारे में, पहले तो उनका बताना है कि उन्होंने क्या क्या अनुमान लगाए, फिर वो अपने को कह रहा है कि उस जगह तुम होते तो क्या क्या करते। ये सब आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी कहानी से आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।